हे गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट दिखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है, जिसकी वजह से डॉग्स जो है ना ये काफी हैवी भी लगते हैं। और जर्मन शेफर्ड के कोट को लेकर आप लोगों को काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कोट में भी होते हैं, मीडियम कोट में भी, डबल कोट में भी और लॉन्ग कोट में भी। और इनके कोट के भी ऊपर ही इनका प्राइस होता है, क्योंकि भाई जो लॉन्ग कोट के होते हैं ना उनका प्राइस सबसे एक्सपेंसिव होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग कोट भी लेकर आया हूं और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल। गाइस मैं जिस जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं, ये लॉन्ग कोट में है और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया और कलर भी काफी डार्क है। तो जो लोग जर्मन शेफर्ड को लेना चाहते थे तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि भाई इसके लिए आप लोगों को ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और रोज रोज डॉक्टर्स के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने सभी वैक्सीनेशन करवा रखी है। एंड ये जो जर्मन शेफर्ड है ना ये एक सेम एडल्ट फीमेल है। एंड गाइस अगर इसकी एज के बारे में बात करें ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 5 मंथ्स की हो चुकी है और भाई इसी एज में आप लोग इसकी ग्रोथ देखें, भाई मुझे तो पर्सनली काफी अच्छी लगी। एंड दोस्तों जब भी एडल्ट या सेमी एडल्ट डॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो ओनर से उनके टेम्परामेंट के बारे में जरूर डिस्कस करता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से बता पाऊं कि क्या ये डॉग ब्रीड आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जर्मन शेफर्ड एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं और इस चीज का शायद हर किसी को पता होगा। और इसी वजह से इन्हें पुलिस वर्क, सर्च एंड रेस्क्यू एंड आर्मी के जैसे कामों में भी यूज किया जाता है। वैसे गाइस क्वालिटी के साथ साथ फीमेल ब्लैक मास में है और ये चीज जर्मन शेफर्ड में बहुत ही अच्छी लगती है एंड मोस्टली लोग इसे परचेज करना पसंद भी करते हैं। और ये चीज भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्राइस में ओनर आप लोगों को ये फीमेल प्रोवाइड करा रहे ना, ऐसा प्राइस आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों को कम से कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की डॉग्स लेनी है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और साथ में बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लो, ताकि सभी वीडियोस के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। बाकी गाइस मेरे पास इस डॉग की मदर फादर की फोटो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो इस बारे में आप लोग डॉग ओनर से जरूर डिस्कस करें। अगर पॉसिबल हुआ या फिर उनके पास अवेलेबल हुई तो वो आप लोगों को पर्सनली मिल जाएंगे। आप लोग उनसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके उनकी फोटो वीडियोस ले सकते हैं, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों फीमेल अभी काफी कम एज की है, तो एक तो आप लोग डॉग ओनर से इस चीज के बारे में डिस्कस कर लें कि वो इसे खाने में क्या देते हैं और कितने टाइम देते हैं। एंड सेकंड चीज, इसे परचेज करने के बाद भाई आप लोग इसकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी ये परफेक्ट एज में जिस टाइम आप लोग इसे कुछ भी सिखा सकते हैं और वो भी काफी आसानी से। तो गाइस बात करें अगर बाकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो एज तो मैं आप लोगों को इस फीमेल की ऑलरेडी बता ही चुका हूं, क्वालिटी A1 है भाई, क्वालिटी में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है नजफगढ़, दिल्ली NCR से। एंड दोस्तों इसे परचेज करने के लिए भाई आप लोगों को थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वो डायरेक्ट ओनर को विजिट करने की, क्योंकि ओनर जो है भाई आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। उनका कहना है कि जिसे ही परचेज करनी है डायरेक्ट घर आओ, क्वालिटी देखो, उसके बाद में ही परचेज करो, जो कि सबसे बेस्ट भी है। एंड फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, तो आई एम श्योर आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे कि फीमेल का प्राइस क्या होने वाला है। तो बता देता हूं भाई, ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है ना वो की जस्ट 12,000 पीस, यानी सिर्फ 12,000 रुपए भाई लॉन्ग कोट की फीमेल, और प्राइस सच में बहुत अफोर्डेबल है। आप लोगों के ओपिनियन क्या है मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलता हूं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।